को निकाल दिया गया है स्कूल से बिना समस्या के, इसीलिए हम साथ बैठे हैं। अगर इन्हें न्याय नहीं मिलेगा तो हिंदू जागरण मंच पूरा सहयोग करेगा, बहनों के साथ है। जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलता तो हम लोग इनके साथ हैं, न्याय दिलाएंगे। 28 साल से ये लोग कर रहे हैं, बिना कारण निकाले गया है, ये गलत है। नाम है आपका? हाँ कंचन जी, क्या मामला है कि आप लोग यहाँ धरने पे बैठी हैं, बाहर क्यों? हम लोगों का मानसिक शोषण रोका है, हम लोग 96 से लगातार निरंतर 28 सालों से लगातार काम कर रहे हैं। हम लोगों को मौखिक रूप से 2 तारीख से आने को भी कह दिया है कि मत आइएगा, लेकिन हम लोगों ने लिखित कारण मांगा तो लिखित कारण कुछ भी देने को तैयार नहीं है। क्या मानते इसके पीछे है आप? अब इनके पास हमने क्या मालूम, इन लोगों की क्या मानता है? आप दोनों को ही निकाला है? तो आप गई अंदर, जा नहीं पाई अंदर? बाकी प्राइवेट नहीं, घुसने नहीं दे रहा, कह रहा प्रिंसिपल ने मना किया है। हम लोग को जाने से आज उसको मना कर दिया, उस दिन ने मना किया था लेकिन अंदर चले गए थे, लेकिन आज जाने मना, गेट बंद कर दिया है। सुबह सूचना मिली हमको कि दादा इंटर स्कूल के बाहर 2 बहनें धरने पर बैठी हुई है। हमने अपने कार्यक्रम के द्वारा पता करवाया तो मामला सही पाया गया, हम लोग यहाँ पर आए। करीब 28 वर्षों से स्कूल में ये सर्विस दे रही है, पढ़ा रही है बच्चों को, अच्छा पढ़ा रही है। यहाँ पर एक प्रिंसिपल मैम है जो विशेष समुदाय से है, कह सकते हैं मुस्लिम है। उनका जो रवैया है, कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि ये सनातन विरोधी है। हमारी जो बहनें हैं उनको निकाला गया है, कोई नोटिस नहीं दिया गया, कई बार विवादों में रह भी चुकी हैं। इनको विवादों में रहने की आदत है, स्कूल भी विवादों में रहता है। आप सबके माध्यम से हम प्रिंसिपल मैम को भी कहना चाहेंगे, मैनेजर को भी कहना चाहेंगे, इस विवाद को जल्दी से जल्दी सुलझा लें, अन्यथा की दृष्टि में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।